कुरान कह रहा है कि अल्लाह इंसान के बारे में बस दो सिफात देखते हैं उसकी दो सिफात वो सिफात क्या है मन तगा नाफरमान कौन है कौन ना मान के चलता है? नहीं मान के चल रहा और कौन ऐसा है जो मान के चलता है बस मानने वाले और ना मानने वाले इसके अलावा अल्लाह को इंसानों से कोई गरज़ नहीं है ये तो हमारे मसले हैं दाढ़ी सफ़ेद है या काली है काला कोला लगाया हुआ है भाई या नेचुरल कलर है क्या ख्याल है दांत और असली सच्ची मुच्ची के हैं या नकली दांत हंसने के लिए अलग रखे हुए हैं और वैसे घर में रहने के लिए अलग रखे हुए हैं होता है वह आज ये भी चल रहा है हंसने के लिए बाकायदा लगा के वीडियो बना के हँसे उसके बाद आर्टिफिशल दौर है ना तो हमारे तो करोड़ों मसाइल हैं ना करोड़ों वो तो ख़त्म ही नहीं होते सारा दिन मसाइल में ही घिरे रहते हैं किसी को नींद नहीं आ रही किसी को आ रही है तो उठा ही नहीं जा रहा उससे पुलिस आ रही है उसको उठाने के लिए घर में दो बेटे होते हैं एक सोता नहीं है दूसरे के बारे में बाप को उस शिकायत होती है सोता ही रहता है ये चल रहा है न मार्केट में एक के इतने अच्छे अखलाक हैं कि वो गैरतलैसी हो गया है गुस्सा आना चाहिए बोलो भाई <laughs> गुस्सा ही नहीं आ रहा उसको बाप कह रहा है भाई तू तो अपनी बीवी पे थोड़ा सा तो गुस्सा कर, उसको कंट्रोल कर वो बिल्कुल ही गुस्सा ले और दूसरा ऐसा है कि वो चंगेज़ खान बना हुआ है तो हर घर में हर जगह मस, मसले मसाइल चल रहे हैं एक बच्चा ऐसा टाइम पे स्कूल जा रहा है दूसरा ऐसा ढीठ पैदा हो गया कि माँ बाप कह रहे हैं यार ये क्या पैदा हो गया तो ये तो हमारे मसले हैं लेकिन ये तमाम के तमाम मसले हमारे मरते ही क्या हो जाएंगे ख़त्म और ये हमारी खुशफहमी है कि हम समझते हैं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो मसाइल हल हो रहे हैं मैं मर गया तो पता नहीं क्या होगा ये इस खुश में ना हम सब मुबला याद रखो कि मैं मर गया तो पता नहीं क्या होगा कुछ भी नहीं होगा बड़े बड़े लोग दुनिया में आए और मर गए तो मसले हुए उनके जिंदा होने में जो मसले हो रहे थे वही मरने में भी चल रहे हैं मसले तो अल्लाह ने इन आयतों में जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत की हैं, अल्लाह ने फरमाया कि मैं दो ही चीजों को इंसान में नोट करता हूं देखता हूं मान के चल रहा है या नहीं मान रहा बाकी ये तुम्हारे मसले हैं ये तो मैं वैसे ही ख़त्म कर दूंगा जैसे बच्चे लड़ रहे हों खिलौने उनके हाथ में हो ये मेरी गाड़ी वो कह रहे ये तेरी गाड़ी है और, और जनाब वो बाप आए एक थप्पड़ लगा के सबको चलो जाके सो जाओ ठीक है ना सोने का टाइम हो गया स्कूल का टाइम हो गया वो सारे खिलौने छीन के चल भाई गाड़ी में जाके बैठो तो ये तो हमारे खिलौने हैं बिल्डिंग है वो इतनी बड़ी बिल्डिंग का मालिक है ये उसका ज़ाती फ्लैट है ये उसका रेंट पर है ये उसका ज़ाती घर है उसके बहरिया टाउन में चार मकान हैं उसके उसके पूरा अपार्टमेंट ख़रीद लिया है उसने उसने वन टू फाइव रखी हुई है वो फिफ्टी पे घूम रहा है वो वन टू फाइव की बातें कर रहा है वो वो जनाब लैंड क्रोज़र में घूम रहा है और इसके पास एफेक्स भी नहीं है उसकी चार चार हो गई और इसकी एक भी नहीं हो रही ये भी मसले हैं ना आजकल लोग ये चल रहे हैं इसकी एक भी नहीं हो रही है भाई ये भी लोग आजकल करते हैं और उसकी जो है ना तो मौत जब आती है ना तो ऐसे जैसे झाड़ू फेड़ के सारे मसले ख़त्म चल भाई चल शाबाश जाके लेट जा फट्टे पे फट्टे पे जाके लेट जा तुझे इतना अल्लाह इकराम कर देते हैं कि अल्लाक़ीन को कहते हैं उसको ज़रा गुसल दे दो तमीज़ से तमीज़ से गुसल दे के बस बाकी तो जो उसके साथ होगा कवर में कीड़े खाएँगे मरेगा सड़ेगा वो तो होगा वो तो मुझे पता है ना मैं जानूँ मेरा बंदा जाने तुम्हारे पास है तो चल, तुम्हारे दरमियान रहा है कुछ खिदमत भी की होगी नहीं तो एक इंसानियत का रिश्ता तो है थोड़ा सा नहला लो अब तो वो नहलाना भी ईदी सेंटर में हो रहा है पाइप से ना, जो इज्ज़त के साथ एक गुसल हुआ करता था वंस अपॉन अ टाइम अब वो भी मुर्दों को नसीब नहीं हो रहा